तो कल तक हम पढ़ रहे थे, हम 10th क्लास हिस्ट्री का पहला यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हमने पढ़ा आज तक द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इसके बाद हमने पढ़ा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फिर हमने पढ़ा द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। इसके बाद हमने पढ़ा व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। फिर हमने पढ़ा अ न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815। फिर इसके बाद हमने पढ़ा द रिवोल्यूशनरीज। हमने ये भी पढ़ा द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1848। फिर हमने पढ़ा कल रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। इसके साथ ही हमने ये भी कल पढ़ा था हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। या हमने एंड पे ये भी पढ़ा था 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स इस पॉइंट पे इख्तिताम करने के बाद आज हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो हमने इन नटशेल इन सिंपल लैंग्वेज हम बोलेंगे, हमने अभी तक पढ़ा कि एक कौम को आज़ाद करने के लिए एक कौम को आज़ाद करने के लिए आर्मी नहीं बल्कि बहुत सारे तबके भी काम आते हैं। हमने रोमांटिक इमेजिनेशन पढ़ी, हमने रोमांटिक फीलिंग पढ़ी। तो हमें और एक चीज़ सामने नजर आई कि आर्मी को छोड़ के कैसे कौम बन सकते हैं। तो आज हम कुछ नया पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। हम पर्टिकुलरली दो नेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक का नाम है जर्मनी और एक का नाम है इटली। हम दो में से दो तरीके की सिचुएशन देखेंगे। जर्मनी की एक अलग अपनी सिचुएशन है, हमने कल भी पढ़ा जर्मन का एक अपना कल्चर था उस कल्चर के लिए, या ग्रीस का अपना कल्चर था तो फिर जर्मन का भी एक अपना कल्चर था। इटली के बारे में अगर हम पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली बात करेंगे, इटली का एक ऐसा केस है, इटली के लोगों को कंसेप्ट ही नहीं था नेशन स्टेट्स का। वो इतने इलिटरेट थे, इनको कंट्री बनाने का बिल्कुल भी कंसेप्ट ही नहीं था। इवन इनको इटली नाम के बारे में भी कंसेप्ट ही नहीं था। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इटली कैसे आज़ाद हो गई, या जर्मनी कैसे आज़ाद हो गई, किन लोगों ने आज़ाद करने में हेल्प कर दी, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय व्हिच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स। 1848 हमने कल पढ़ा था द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 हमने कल पढ़ा था 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। तो हमने देखा 1848 के बाद कुछ नई चेंज आई, कुछ नए लोग सामने आए कौम को आजाद करने के लिए। वो लोग कौन से थे? वो लोग लिबरल्स थे। लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स यूजुअली एक क्लास था, जो क्लास मिडिल क्लास लोगों का था, जिसमें पढ़े लिखे लोग थे लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या बाकी बिजनेसमैन थे या बाकी प्रोफेशनल्स थे। तो अब उन्होंने अपने एंड से कुछ अपने अनोखे तरीके से एक कौम को आज़ाद करने के लिए कदम उठाए थे और वो एंड पे कामयाब भी हो गए। तो 1848 के बाद कुछ चेंज आई, कुछ ट्रेंड चेंज हुई। यूजुअली क्या ट्रेंड चेंज हुई, डिफरेंट मूवमेंट्स चलते थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चलते थे। अब लोगों ने कुछ दूसरे तरीके यूज किए कौम को बनाने के लिए। नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स। जर्मन की हम पर्टिकुलरली बात करेंगे 1848 के बाद, तो नेशनलिस्ट फीलिंग्स कौम के बारे में फीलिंग्स जो है अब आम थी, बहुत ज्यादा आम थी। स्पेशली किन लोगों में वो आम थी? मिडिल क्लास जर्मन्स। हमने मिडिल क्लास की बात की, मिडिल क्लास में यहाँ से फिर से रिपीट करूंगा, हम देख रहे हैं इस यूनिट में हमने पढ़ा कि डिफरेंट सोशल डिविजन थे सोसाइटी में। एक क्लर्जी का एस्टेट था, दूसरा नोबल्स का एस्टेट था, तीसरा थर्ड एस्टेट का ये था एस्टेट था। तो इन बीच में एक अलग क्लास था जो मिडिल क्लास थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनके पास एक अलग सेंस था, जो लिटरेट थे। और इन्होंने अब जो है अपने लिटरेचर से, कुछ आर्टिस्ट्स ने अपने अपने काम से, बाकी म्यूजिशियंस ने अपने म्यूजिक से, बाकी पोइट्स ने अपनी पोइट्री से लोगों को उजागर किया था नेशनलिस्ट फीलिंग्स के बारे में। तो उसी नेशनलिस्ट फीलिंग्स क्रिएट करने के बाद मिडिल क्लास लोगों की जानिब से जर्मन आजाद होने में कामयाब हो गया। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइनड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ द प्रूशिया। लेकिन क्या कहेंगे कि अगर लिबरल्स ने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो लिबरल्स कामयाब नहीं हुए, कहीं हद तक कामयाब नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनका मुकाबला मोनार्की के साथ हो रहा था, उनका मुकाबला मोनार्की की एक बड़ी ह्यूज मिलिट्री के साथ हो रहा था। तो जाहिर सी बात है मिडिल क्लास जर्मन्स जो थे, लिबरल्स जो थे, उनके पास गन भी नहीं थी, उनके पास खाली जुबान थी,
या उनके पास टेक्निक्स थे प्रोटेस्ट करने के लिए, और जो मोनार्क था या बादशाह था या एम्परर था उसके पास अपनी एक ह्यूज पावरफुल मिलिट्री थी, और जाहिर सी बात है इस ह्यूज पावरफुल मिलिट्री के सामने जो है मिडिल क्लास जर्मन्स लोग हार गए। हारने के साथ साथ ही एक नई 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 इमेज हमें सामने आ रही है, वो इमेज है प्रूशिया की। प्रूशिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जर्मन्स को आजाद करने के लिए, तो अब प्रूशिया आगे लड़ रहा है जर्मन्स की जानिब से, तो देखेंगे कि इनका क्या कंट्रीब्यूट रहता है इस चीज में। प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट, अब मूवमेंट को लीड कर रहा था प्रूशिया। अब देखना है जर्मन एक है, इटली एक है, अब प्रूशिया तीसरा कोई मुल्क था तब जाके। तो प्रूशिया अब जो है लीड कर रहा है इस मूवमेंट को, किस मूवमेंट को, जर्मन्स के लिए, ऑन ऑन बिहाफ ऑफ जर्मन्स प्रूशिया जो है अब लीड कर रहा है। जैसे कि हम अमूमन यहाँ पे लोग बोलते हैं अभी चाइना जो है वो हमारे बदले लड़ेगा, या पाकिस्तान जो है वो हमारे बदले लड़ेगा, या अमेरिका जो है इंडिया के बदले लड़ेगा, तो ऐसा हम कहते हैं। तो ऐसा ही प्रूशिया जो आया सामने जर्मन्स की जानिब से, जर्मन्स की तरफ से इस मोनार्की और मिलिट्री के साथ लड़ने के लिए, ताकि जर्मन जो है आजाद हो जाए। इस बीच तीन जंगें लड़ी गई, एक देर वर देर थ्री वॉर्स वर सीन इयर्स विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। प्रूशिया को तीन जंग लड़नी पड़ी, एक ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ, और ये तीनों जंग प्रूशिया जीतने में कामयाब हो गया, और इसी के साथ जो है इन्होंने फिर जर्मन को आजाद करने में हेल्प कर दी। So the nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power. अब जो जर्मन आजाद हो गया, लेकिन जर्मन के आजाद होने के साथ साथ ही जो है प्रूशिया की डोमिनेंस भी सामने आई, प्रूशिया का खतरनाक साबित होना भी सामने आ गया कि प्रूशिया ने अब तीन मुल्कों को हराया था, प्रूशिया के पास अब पावर था, तो प्रूशिया भी अब साबित हो गया था लोगों को, डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट रीजन्स को, जो है प्रूशिया जो है अब पावरफुल है। The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. तो इसके साथ हम कंक्लूड कर सकते हैं जर्मनी के केस में कि जर्मनी आजाद हुआ, पहले वो जर्मन की आजादी के लिए लिबरल्स ने अपने एंड से काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन मिडिल क्लास लोग जो थे जर्मन्स के बिल्कुल भी टिक ना पाए मोनार्की और इनकी ह्यूज आर्मी के सामने। लेटर ऑन जर्मन्स को सपोर्ट किया प्रूशिया ने, तो प्रूशिया को तीन जंग लड़नी पड़ी, एक लड़नी पड़ी डेनमार्क के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, फ्रांस के साथ, फाइनली वो तीनों जंग जीतने में कामयाब हुआ, और फाइनली प्रूशिया ने मदद की जर्मन्स को अपना एक अलग आजाद कौम बनाने में, जिसको हम नेशन स्टेट कहते हैं। और जब ये नेशन स्टेट बना, जब आजाद जर्मनी बनी, तो इस आजाद जर्मनी में क्या कुछ खासियत थी, वो थी मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। इन्होंने अपनी करेंसी इशू कर दी, इनकी पहले बहुत ज्यादा करेंसीज हुआ करती थी, फिर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया उस करेंसी सिस्टम को, इनका अपना बैंकिंग सिस्टम था, इनका अपना लीगल एंड जुडिशरी सिस्टम था, तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि जर्मनी अब जो है स्टेबल हुई थी। जर्मनी के बाद हम बात करेंगे इटली की, इटली कैसे यूनिफाई हो गया, इटली कैसे एक हो गया। लाइक जर्मनी इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। अगर इटली की हम बात करेंगे तो इटली भी जो है जर्मनी की तरफ जो है डिसइंटीग्रेटेड था। फ्रेगमेंटेशन मींस डिसइंटीग्रेटेड था, ब्रोकन। ब्रोकन मींस कि ये एक हिस्सा नहीं था बल्कि कुछ डिफरेंट हिस्सों में बटा हुआ था। जैसे कि अगर इटली में 10 लैंग्वेज यूज की जाती थी तो 10 एरियाज में ये बटा था, तो जर्मनी के साथ साथ जो है इटली भी अलग थलग था, आइसोलेटेड था, डिसइंटीग्रेटेड था, इनका एक पर्टिकुलर सेंटर नहीं था जहां से इनको रूल किया जा सकता था। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनास्टिक स्टेट्स एज वेल एज ए मल्टीनेशनल हॉब्सबर्ग एम्पायर। तो इटालियंस जो है इसमें क्या था, एक तो ये हॉब्सबर्ग एम्पायर का हिस्सा था। हॉब्सबर्ग एम्पायर की क्या खासियत थी, हॉब्सबर्ग एम्पायर एक मल्टीनेशनल एम्पायर था। मल्टीनेशनल एम्पायर का मतलब हो गया कि इस हॉब्सबर्ग एम्पायर में बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज बोली जाती थी, या इसमें बहुत ज्यादा कहेंगे हम डिफरेंट कल्चर्स थे इस हॉब्सबर्ग एम्पायर में, इसमें बहुत सारे रिलीजियस थे, इसमें बहुत सारे लैंग्वेज थे। तो इटली की अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे, इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। तो इटली के 7 हिस्से थे तब जाके, जब अभी तक इटली एक मुल्क नहीं बना था, एक आजाद मुल्क नहीं बना था। आजाद मुल्क बनने से पहले जो है इटली 7 हिस्सों में बटा हुआ था। इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्यूर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। अभी इटालियन लैंग्वेज भी वजूद में नहीं आई थी, जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं कि इटली इटालियन लैंग्वेज, या कश्मीरी 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 लैंग्वेज, तो
तो इटालियन लैंग्वेज अभी ऑफिशियली कोई लैंग्वेज सामने नहीं आई थी, बल्कि इसमें भी बहुत सारे इथनिक रीजन्स थे, इथनिक वेरिएशंस थे इस इटली में। अगर 7 हिस्सों में ये बांटा हुआ था तो डेफिनेटली वहां पे 7 लैंग्वेज यूज होती थी, तो अभी एक लैंग्वेज नहीं आई थी। जिस भी मेजिनी एक शख्स का नाम है जिसने ये काम करना शुरू कर दिया कि इसने कहा वो नेचुरलिज्म में भरोसा रखता था। गिस्पी मेजिनी का मानना था, जिसके बारे में मैटरनिज भी बहुत ज्यादा कहते थे कि ये डेंजरस एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर के, तो गिस्पी मेजिनी का कहना है कि ये भगवान की तरफ से है, गॉड की तरफ से है ये स्टेट्स क्रिएट करना, तो ये नेचुरली ही नेचुरली चलनी भी चाहिए। तो नेचुरल तरीके पे ये सारे नेशन स्टेट्स बनने चाहिए, नेचुरल तरीके पे ये सारा सिस्टम चलना चाहिए। तो अभी जो है डिफरेंट लैंग्वेज इटली में बोली जाती है, डिफरेंट लैंग्वेज की बेसिस पे इटली जो है डिवाइड हुआ है 7 हिस्सों में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इटली एक है तो इटली एक ही बननी चाहिए, ये गिस्पी मेज़िनी का मानना था। तो गिस्पी मेज़िनी हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। अब इसने अपने एंड से काम करना शुरू किया था, ऐसे ही बिल्कुल जैसे इंडिया में 1947 से पहले गांधी जी ने काम करना शुरू कर दिया था, फिर टू नेशन थ्योरी के बाद जो है अली मोहम्मद जिन्ना ने पाकिस्तान क्रिएट करने के लिए, एक यूनिफाइड पाकिस्तान क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम चलाना शुरू कर दिया था, वैसा ही गिस्पी मेज़िनी ने 1848 के बाद इटली को जो है यूनिफाइड बनाने का प्रोग्राम चलाया। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, कामयाब करने के लिए इसने एक अपनी सेक्रेट सोसाइटी फॉर्म की, जिसका नाम था यंग इटली फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स। जैसे कि हम बोलते हैं कि काम तभी होगा जब ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होगा। हम कोई बिजनेस यूनिट खोलने का प्लान करें तो पहले हम बोलते हैं ना इस बिजनेस यूनिट को हम नाम देंगे, क्योंकि जब हम इसको नाम देंगे तब इसकी एक अपनी आइडेंटिफिकेशन बनेगी, फिर ये इसी आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे बिना पे जो है काम करने में कामयाब हो सकता है। तो जो मकसद था गिस्पी मेज़िनी का इटली जो है यूनिफाइड बनाने का, उस इटली उस गोल को उसने शक्ल दी यंग इटली के नाम से, अपनी अलग सोसाइटी बनाई। इस सोसाइटी का मुद्दा और एजेंडा ये रखा कि जिस किसी को भी इटली को आजाद करना है वो इस यंग इटली ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकता है, जिस किसी के भी ये गोल्स हैं वो इस यंग इटली का हिस्सा बन सकता है, जिस किसी ने भी ये ख्वाब सपने देखे हैं वो इस यंग इटली का हिस्सा बन सकता है। The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. अब हूबहू जर्मनी जैसी सिचुएशन इटली में भी हुई थी। पहले जर्मन के लोगों ने खुद, लिबरल्स ने खुद जर्मन को आजाद करने के लिए सोचा था लेकिन नाकाम हुए, ऐसा ही अब इटली के लोगों ने भी करना शुरू कर दिया था, पर्टिकुलरली गिस्पी मेज़िनी ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, तो लेकिन ये भी नाकाम हुए। तो फिर इनका ये मकसद या इनका ये काम जो है 1840 के बाद सार्डिनिया पैडमाउंट के बादशाह जिसका नाम विक्टर एमैनुअल सेकेंड था, इसके कंधों पे ये बात या इसके कंधों पे ये जिम्मेदारी आई कि अब इसको जो है वैसे ही जैसे प्रूशिया ने जर्मन को आजाद कराया, वैसे ही इस विक्टर एमैनुअल को जो है इटली आजाद करने में हमारी मदद करनी होगी, वो भी जंग से। इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। इटली वाज नेदर अ रिवॉल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेटिक। इटालियन पॉपुलेशन अमंग होम रेट्स ऑफ लिटरेसी वर हाई रिमेनेड ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। इटली में उनको एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी। जैसे हम यूजुअली कहते हैं कि यहाँ से जो कश्मीर का मसला है ये एक कन्फ्लिक्टेड एरिया है, इसको ना पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार है ना इंडिया को छोड़ने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है? एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रीजन है, पॉलिटिकल डोमिनेंस रीजन है, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज और भी हैं जिस वजह से ये दोनों इसके पीछे पड़े हैं। तो वैसा ही जो है इटली को भी कुछ पॉसिबिलिटीज या सॉरी इस विक्टर एमैनुअल को भी कुछ पॉसिबिलिटीज इससे नजर आई, किससे? इटली से। अगर ये इटली को एक करने में कामयाब हो गया तो इसको वहां से कुछ हासिल हो सकता है। तो इटली के आम शहरियों की अगर बात करेंगे, ये इतने 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 इलिटरेट थे कि इनको इवन इटली के नाम के बारे में भी पता नहीं था। जब इटली लेटर ऑन आजाद हो गया तो इन्होंने कहा कि इटली जो है इसी विक्टर एमैनुअल की बीवी का नाम है। इतने ये इलिटरेट लोग थे, इनको इवन इटली नाम की कोई खबर नहीं थी, तो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी या नेशनलिस्ट फीलिंग्स की बात तो दूर की बात है। तो ये केस था, इटली का केस था। विक्टर एमैनुअल ने इनको मदद कर दी इटली को आजाद करने में, और ये लेटर ऑन इस इटली की बादशाह भी बनाए गए थे। लेकिन लोगों की अगर पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली बात करेंगे, लोग बहुत ज्यादा इलिटरेट थे इटली में, इनको इटली के बारे में, इटली नाम के बारे में भी कोई खबर नहीं थी।
तो ये था जर्मन और इटली के बारे में। इसमें हमें दो पॉइंट्स क्लियर नजर होते हैं कि जर्मन को आजाद करने में प्रुशिया का अहम किरदार था, प्रुशिया को 3 जंग लड़नी पड़ी, और वैसे ही इटली इटली को आजाद करने के लिए विक्टर एमिनुअल किंग किंग विक्टर एमिनुअल सेकंड का बहुत ज्यादा अहम क्लियरी किरदार था। और जब ये आजाद हुआ तो विक्टर को इस इटली का बादशाह बनाया गया और लोगों को फिर पता चला कि आप कोई चीज नहीं आई है और इटली बनी है, और ये इटली जो है विक्टर किंग विक्टर एमिनुअल की बीवी का नाम है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि यंग इटली गिस्पी मेजिनी की तरफ से आई थी। पहले इटली में इटली की तरफ से आजाद होने के लिए बहुत ज्यादा काम हुआ था लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। सिमिलरली जर्मनी में भी ऐसा ही हुआ था, लिबरल्स आए थे या मिडिल क्लास जर्मन्स आए थे, उन्होंने आजाद करने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं जर्मनी और इटली का केस, सिंपल सी बात है याद रखना है सिंपल सी भाषा में कि जर्मन कैसे आजाद हुआ, पहले किन लोगों ने ट्राई किया आजाद करने के लिए, नेशन स्टेट क्रिएट करने के लिए, फिर कैसे वो आजाद हो गए वो मैंने बोला, फिर हमने इटली का केस भी पढ़ा। अब हम केस ब्रिटेन का भी पढ़ेंगे, ब्रिटेन जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं मॉडर्न डे में। तो ब्रिटेन की अगर बात करेंगे तो 16th century तक द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। अगर आजकल के जमाने की बात करेंगे ब्रिटेन हमारे सामने एज ए मॉडल है, क्योंकि हमने देखा ब्रिटेन में पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिस पे ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। हम कहते हैं कि द मोर पावर यू हैव द मोर यू वांट, या हम मोनी के बारे में भी ऐसा कहते हैं कि द मोर यू हैव द मोर यू वांट। तो इंग्लैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, इंग्लैंड के पास जितना ज्यादा पैसा आ गया वो उतना ज्यादा पावरफुल हो गया। इंग्लैंड तो पहले एक मामूली सा मुल्क था लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके पास आया इंग्लैंड अमीर होता हो गया। तो इंग्लैंड जितना अमीर होता हो गया उतना ज्यादा ये लालची हो गया, और जितना लालची हो गया उतना उस लालच के साथ ये पावरफुल हो गया, और जो भी इसके नजदीक मुल्क थे इन्होंने उनपे जबरदस्ती फिर कब्जा कर दिया। तो इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, देर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th century। 18th century तक अगर बात करेंगे तो ऐसा कोई मुल्क वहां पे नहीं था ब्रिटिश नेशन, लेकिन जो ही फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया तो फिर ये आगे आगे उभर कर सामने आ गया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मीन्ड इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। जो ही इसके पास बहुत ज्यादा पैसा आया इंग्लैंड के साथ एज ए नेशन, तो ये जो है नजदीकी मुल्क या जो हम कहेंगे इनके रनिंग आउट ऑफ टाइम जो इनके नेबरिंग कंट्रीज थे, कंट्रीज लाइक अभी जो स्कॉटलैंड है, हम यूके अभी बोल रहे हैं, यूके में ऑलमोस्ट 4 कंट्रीज आती हैं, तो यूके या बाकी एरियाज पे ये जो है अपना इन्फ्लुएंस दबदबा करने में कामयाब हो गया। किस बेसिस पे? पावर की बेसिस पे। अभी आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, अगर कोई मोहल्ले में बहुत ज्यादा अमीर होता है तो यूजुअली जहां पे भी वो जाता है उसकी बात को आंख बंद करके लोग एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पावर का जो है या उसके पैसे का जो पावर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है बाकी लोगों पे, वो मजबूर होते हैं उसकी बात मानने के लिए। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल है, वो पैसे वाला है। तो ऐसी ही सिचुएशन थी बराबर इंग्लैंड के पास भी, इंग्लैंड जो भी बोलता था वो डेफिनेटली इम्पोज होता था, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता था। अगर कहीं पे लोग मानते अच्छी बात है, अगर कहीं पे लोग नहीं मानते तो वहां पे वो बाय फोर्स वो चीजें जो है इम्पोज करता था। तो ऐसा ही केस इनका स्कॉटलैंड पे था, स्कॉटलैंड पे भी उन्होंने बहुत ज्यादा अपना पावर जो है अपना सॉर्ट ऑफ एक्सपेंशन हम कहेंगे या टेरिटोरियल एक्सपेंशन उन्होंने स्कॉटलैंड पे किया था। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हेंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर्स। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की अगर हम बात करेंगे, अभी हम ब्रिटिश का केस देख रहे हैं, हमने पढ़ा कि 18th सेंचुरी तक पहले ब्रिटिश ऐसा कोई कौम था नहीं, फिर ब्रिटिश के पास पैसा आया, फिर जब इनके पास पैसा या पावर आया फिर इनकी लैंग्वेज वो भी पावरफुल बन गए ऑटोमेटिकली। ये आम सी बात है, ये एक कॉमन सेंस भी है, ये एक नेचुरल ट्रेंड भी है, जिसके पास जितना पैसा होगा उसकी बात भी चलती है, उसका ड्रेस भी चलता है, जो भी वो करता है वो सारी चीजें चलती हैं। ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन इंग्लैंड की थी, इंग्लैंड के पास जो है अब इंग्लिश बोलने वाले लोग थे तो इंग्लिश भी ऑटोमेटिकली इम्पोज कर गई, इंग्लिश भी ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस कर गई बाकी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग लोगों पे। तो आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। तो फिर स्कॉटलैंड के बाद जब इन्होंने स्कॉटलैंड पे कब्जा किया, जबरदस्ती कब्जा किया, फिर स्कॉटलैंड के बाद 1801 में 1801 में इन्होंने जबरदस्ती अपना कब्जा जो है आयरलैंड पे भी किया, आयरलैंड भी इन्होंने फिर अपने कब्जे में कर दिया।
तो ब्रिज फ्लैग द नेशनल एंथम एंड द नेशनल लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइवल ओनली एज सबॉर्डिनेट पार्टनर्स ऑन दिस यूनियन। तो फिर क्या हुआ, जितना ज्यादा दिन ब दिन इंग्लैंड पावरफुल होता गया उतना ज्यादा उसका फ्लैग की अगर बात करें, नेशनल एंथम की बात करें या इंग्लिश लैंग्वेज की बात अगर करेंगे, इस चीज से ये चीज आप इस चीज से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया में इंग्लिश का दबदबा बहुत ज्यादा है। हमारे इवन कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता उसको हम इंसान ही कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? यही एक रीजन है, क्योंकि इंग्लैंड जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये अपना इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में, दुनिया पे करने में कामयाब हो गया। तो ऑटोमेटिकली जो है अब इंग्लिश इम्पोज हो गया है। तो ये थी ब्रिटिश इंग्लैंड की कुछ स्टोरी, कि इंग्लैंड ऐसा, इंग्लैंड नाम जैसा कोई कौम पहले था नहीं, फिर इनके पास जितना पावर आ गया उतना ज्यादा ये पावरफुल होते गए, फिर उन्होंने जितना ज्यादा पावर पाया, पावर पाने के बाद उन्होंने स्कॉटलैंड पे कब्जा किया, स्कॉटलैंड के बाद उन्होंने आयरलैंड पे कब्जा किया। तो अगर हम स्कॉटलैंड और आयरलैंड की आप स्पेसिफिकली सिचुएशन पढ़ेंगे, इन्होंने स्कूल्स में क्या किया, इन्होंने कल्चर के साथ क्या किया, इन्होंने मजबूर कर दिया स्कॉटलैंड और आयरलैंड के लोगों को इंग्लिश ड्रेसेस पहनने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने के लिए। तो इन्होंने बहुत ज्यादा एग्जैक्टली वैसे ही, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस के पहले ही यूनिट में उस श्रीलंका का केस पढ़ रहे थे या बेल्जियम का केस पढ़ रहे थे, तो वैसा ही कुछ इंग्लैंड ने भी स्कॉटलैंड और आयरलैंड के साथ किया है। तो ये था ब्रिज का केस। अब इसके बाद जो है विजुअलाइजिंग द नेशन, विजुअलाइजिंग द नेशन, विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब हो गया हम एक कौम को कैसे दिखाएंगे। अभी हम अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि आप मेरी पेंटिंग ड्रा करके मेरी पोर्ट्रेट बना दीजिए या लोगों को दिखाइए कि मैं कैसा दिखता हूँ, तो आप काम करेंगे, अगर आपको नहीं भी आएगा फिर भी आप करेंगे, ऐसे बाल रखेंगे, आंखें बनाएंगे, दाढ़ी बनाएंगे, तो समहाउ पोर्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। ये हो गए इंसान की बात। अब अगर मैं आपको बोलूंगा एक कौम बना दीजिए, आप मुझे एक इंडिया का पोर्ट्रेट बना के दे दीजिए, आप मुझे इंग्लैंड का पोर्ट्रेट बना के दे दीजिए, तो ये काम जो है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये काम हम इजीली ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन जब कोम बनाने की बात आ गई, 18th सेंचुरी की बात करेंगे, 19th सेंचुरी की बात करेंगे या रोमांटिसिज्म की बात करेंगे, तो तब जाके आर्टिस्ट्स ने बहुत ज्यादा काम किया या बहुत ज्यादा एक अहम इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। इन्होंने लोगों के सामने कोम कंट्रीज की ऐसी रिप्रेजेंटेशन दे दी कि लोगों को बहुत ही ज्यादा इजिली वो कौम अंडरस्टैंड करने में, अभी अंडरस्टैंड करने में आसानी हो गई। अभी अगर हम बात करेंगे, अभी हम बोल रहे हैं कि भारत की आप एक पिक्चर बना दीजिए, भारत की एक पेंटिंग बना दीजिए, तो हम क्या करते हैं, हम भारत माता बनाते हैं। तो भारत माता को हम जो है कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ, हम बोलते भी हैं भारत माता की, तो हम इस फीमेल फिगर को कंपेयर करते हैं किसके साथ, इंडिया के साथ। तो ऐसा ही 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी में आया, आर्टिस्ट्स आए सामने, उन्होंने फीमेल फिगर्स को बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि हमने लंदन का वो केस पढ़ा था, वहां पे कैसे फीमेल पहली दफा आई, या जर्मानिया, जर्मन लेडी का नाम था जिससे जर्मन कंट्री हमें नजर आती थी, जर्मानिया उसका नाम था, या दूसरा नाम क्रिस्टन मैरीन है, ये भी एक क्रिश्चियन, पॉपुलर क्रिश्चियन नाम था। ये ऐसे कुछ नाम थे, जर्मानिया जैसे जर्मनी में दिया गया, भारत माता जैसे इंडिया में इस फीमेल को दिया गया, ये क्रिस्टन एंड मैरीन पूरी यूरोप में दिया गया, ये एक कॉमन नेम्स थे इस कम्युनिटी में, फिर इन फिगर्स को यही नाम दिए गए। तो विजुअलाइजिंग द नेशन में हम इतना बोलेंगे, सम अप करने की कोशिश करेंगे, जब कौम बनाने थे, लोगों को समझाना था कि आजाद कौम हो क्या गए, तो तब जाके पेंटर्स ने या आर्टिस्ट्स ने काम किया, इन्होंने फीमेल्स की फिगर्स बना दी, फीमेल पेंटिंग्स बना दी, फीमेल पोर्ट्रेट्स बना दिए, फिर इन्होंने इस फीमेल को जो है कंपेयर किया एक कंट्री के साथ। तो लोगों को आसानी हो गई समझने में कि कौम हो क्या गया, ठीक है। फिर उन्होंने, अगर आपको अभी भी याद आता होगा, हमने क्लास में पढ़ा था कि अनशेकल्ड कर दिया फीमेल को, यानी कि वो शैकल्ड थी, उसके वो बांधी हुई थी, फिर उन्होंने कुछ पेंटिंग्स में उसको खोला भी था, इट मींस कि अब ये जो है आजाद हो गई है। तो क्रिस्टन मैरीन, ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम व्हिच अंडरलाइनड द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, क्रिस्टन मैरीन पूरे यूरोप में एक फेमस नाम था, ये हर एक पेंटिंग के साथ कंपेयर किया जाता था। बट स्पेसिफिकली अगर हम जाएंगे फिर कुछ एरियाज में, जर्मनिया, जर्मन में एक लेडी का नाम रखा गया था जिससे लोगों को समझ आता था ये जो है जर्मन कंट्री की एक पिक्चर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म हो गया पैट्रियटिज्म, इंपीरियलिज्म हो गया इसका कुछ अपोजिट। हम यूजुअली कहते हैं कि इंपीरियलिज्म जो है ये फोर्सिबल एक्सपेंशन है या टेरिटोरियल एक्सपेंशन है बाय फोर्स, जैसे कि इंडिया में हुआ था,
इंडिया में क्या हुआ था कि फोर्सफुली इंग्लैंड आया था, इन्होंने कब्जा किया था, जबरदस्ती लोगों की जमीन खाई थी, जबरदस्ती यहाँ का पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम खराब किया था। तो ऐसा ही कुछ आया था। अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा यूनिट में कि नेशनलिज्म का कंसेप्ट लोगों में डेवलप किया जाता था, क्रिएट किया जाता था। अब यही नेशनलिज्म का कंसेप्ट कैसे इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गया वो हम इस इसमें पढ़ेंगे। बाय द क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, इट मींस बाय द क्वार्टर ऑफ द 19th, क्वार्टर हो गया थर्ड पार्ट, तो हो गया बाय द 18, मतलब ये मानो आप 1875 तक, इसी के अराउंड क्या हुआ, नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी बट बिकेम ए नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स। अब जो है नेशनलिज्म 1875 के अराउंड नेशनलिज्म अब नेशनलिज्म नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि अब ये जो है लालच में तब्दील हुआ था। किस लालच में तब्दील हुआ था? इंपीरियलिज्म में। अब अगर हम कहेंगे जैसे कि जर्मन कोम बना था, अब जर्मन आजाद हुआ था, अब जर्मन को भी वही लालच हुई थी कि जो इससे पहले बाकी लोगों को हुई थी। जैसे कि इंग्लैंड को लालच हुई थी, इंग्लैंड ने इंग्लैंड स्कॉटलैंड पे कब्जा किया था, आयरलैंड पे कब्जा किया था। ऐसा ही एक रीजन था बाल्कन्स। बाल्कन्स जो है साउथ ईस्ट रीजन माना जाता है यूरोप का, साउथ ईस्ट, साउदर्न ईस्ट रीजन जो है यूरोप का माना जाता है। तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज थे, जैसे अल्बानिया था, बोस्निया था, बल्गेरिया था, क्रोशिया था, ग्रीस था, सर्बिया था, या रोमानिया था, स्लोवेनिया था, एट्स्ट्रा एट्स्ट्रा, इसमें बहुत सारे इसके बाद भी अलावा भी थे। तो इसमें क्या हुआ, इन लोगों में, इन कंट्रीज में क्या हुआ, इन कंट्रीज में लालच डेवलप हो गई। लालच क्या हुई कि इन्होंने एक दूसरे पे एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया, इन्होंने एक दूसरे पे ऐसे ही जैसे इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड और आयरलैंड पे हमला करके या जबरदस्ती फोर्सफुली एक्सपेंशन करके किया था। तो बाल्कन्स रीजन्स में भी, इन रीजन्स में, इन कंट्रीज में यही लालच हुई थी कि ये एक दूसरे पे एक्सपेंशन करने में अब एक दूसरे पे तैयार हो गए थे। तो इसी लालच के साथ जो है बाल्कन्स एरियाज में एक दूसरे पे इन्होंने हमला किया था, एक दूसरे पे इन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया था। यही बाल्कन्स रीजन जो है फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार का रीजन भी बना था। तो इसके साथ ही हम ये यूनिट इख्तिताम करते हैं कि कैसे कैसे नेशनलिज्म जो है इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हुआ। नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म में इसलिए कन्वर्ट हुआ क्योंकि पहले कौम आजाद हुए, आजाद होने के बाद इनको लालच हुई कि अब हमें इतनी लैंड इस कौम में मिली है, अब हमें बहुत ज्यादा मिलनी चाहिए। तो फिर उन्होंने दूसरे कौम, दूसरे मुल्कों पे हमला करना शुरू किया था। वो यूजुअली वो कौम थे जो बहुत ज्यादा निहायते थे, बहुत ज्यादा कमजोर थे, तो उन्होंने उन पे हमला किया था। फिर अल्टीमेटली जो है बाल्कन्स ही एक